चलिए स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेके कि आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड के बारे में हम बात किए थे पिछले वीडियो में, आप लोग देखे होंगे, और अगर अच्छा से अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो पहले देख लो, उसके बाद इस वीडियो को आप लोग क्लिक करना कि जो कोवलेंट बॉन्ड की जो बात होता है इसमें यही बात होता है कि म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होता है ये म्यूचुअली शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब साझेदारी करते हैं इलेक्ट्रॉन का। साझेदारी करने के बाद जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता था कि कम्प्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज न्यू बॉन्ड इज फॉर्म इज नॉन एज आयनिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड में जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो पहला डिफिनेशन आप लोग लिख लो कि जो डिफिनेशन क्या हो सकता है, द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म, सॉरी द कोवलेंट बॉन्ड, इसको कोवलेंट बॉन्ड, the covalent bond form between two atoms। मतलब क्या दो एटम के बीच में जो हम लोग का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा किस तरह से होगा, बिटवीन टू एटम म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअली शेयरिंग जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या बात किए थे, द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम ड्यू टू द म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि साझेदारी करेगा इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने के बाद जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कैसे दिखाते हैं, चलिए इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। चलिए मान लीजिए मेजरिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान के चलिए एच और सी एल लिए, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक जो आउटरमोस्ट सेल में 1 होता है और इसका जो होता है 7 होता है, कोवलेंट का 7 होता है, आउटरमोस्ट ऑफ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 7 होता है। अब इसके बीच में जब हम लोग का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, हमेशा हाइड्रोजन क्या है डोबलेट कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके अलावा जितना सारा भी एलिमेंट वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या करे डुप्लीट बनाने की कोशिश करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन किससे किसके साथ साझेदारी करेगा, क्लोरीन एटम, जो क्लोरीन एटम है इस एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन, तो इसका डुप्लीट कंप्लीट हो गया। उसी तरह उसके अलावा क्लोरीन भी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेके भी क्या बनाएगा ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। इस तरह से हम लोग का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इस बॉन्ड को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या बात हुआ कि हाँ हाइड्रोजन का 1 क्लोरीन का 7 मिला के इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, और हाइड्रोजन क्या किया, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन लेके वो डुप्लीट कंप्लीट किया, जिसके कारण एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस टाइप का जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। क्या है द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म, जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन टू एटम्स या हाइड्रोजन एक एटम है एंड क्लोरीन एक एटम है, दो एटम के बीच में जो हम लोग का बॉन्ड फॉर्मेशन होता होगा, क्योंकि ड्यू टू द म्यूचुअलिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअली मतलब साझा करेगा, क्योंकि क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन साझा किया हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन साझा किया कौन क्लोरीन पे, जिसके अगर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है, कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान के चलिए Cl Cl2 के बीच में Cl Cl के बीच में बनाते हैं, चलो इसको भी बना के देखते हैं, इसके एग्जांपल बना रहे हैं ना, ये Cl का 1 2
फोर सिक्स सेवन, यहाँ पे भी दो चार छ सात, ये भी जब इसको बनाएंगे ये भी वन इलेक्ट्रॉन किसका लेगा, ऑक्टेट जब कंप्लीट करेगा क्योंकि इसके पास सात है, इसका वन इलेक्ट्रॉन लगेगा इस क्लोरीन का, पहला क्लोरीन का, ये दूसरा क्लोरीन का, इसमें भी उसी केस बनाएगा, सेकंड क्लोरीन में वन इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसके, फास्ट वाला क्लोरीन के, जिसके कारण हम लोग का Cl2 का फॉर्मेशन होता है। जब इसको बॉन्ड के माध्यम से दिखाते हैं Cl Cl, इस तरह के बॉन्ड से हम लोग उसको दिखाते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड को। उसके बाद और भी एग्जांपल हो सकता है, आप लोग बना के देखना, N2 होगा, F2 होगा, इसके बाद F2 F2 I2, ये सब सारा क्या है हम लोग का आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल है, आयनिक बॉन्ड का। और बहुत सारा उदाहरण हो सकता है, I2 होगा, F2 हो गया, उसके बाद Br2 आप लोग बना सकते हैं, Br2, ये भी इस तरह का से Br Br Br, इस तरह बॉन्ड का, जैसे आयनिक बॉन्ड में कुछ बॉन्ड नहीं होता था, उसी प्रकार कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग को बॉन्ड से डिनोटेड करके दिखाते हैं। तो इसका जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो इस तरह का आयनिक बॉन्ड का खेल है, इस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मतलब म्यूचुअलिंग शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब इसके बाद जो बात करेंगे जो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्या है तो बात किए थे, तो चलिए उसके बाद आयनिक बॉन्ड में क्या पढ़े थे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है ग्रेटर देन 0.5, लेकिन यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड का जो होगा, यहाँ पे लिखे हैं द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स वाइल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो, क्योंकि इसका सेम एलिमेंट हो सकता है, सेम एटम हो सकता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होगा और वेरी स्मॉल, अगर होगा तो वेरी स्मॉल होता है, क्योंकि देखिए क्लोरीन क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस करेंगे, जब डिफरेंस करेंगे तो क्या होता है, उसका जीरो हो जाएगा। जब इसका जब कंपेयर करेंगे दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, जैसे हम क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे तो क्या जीरो हो जाएगा। या यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या डिफरेंट डिफरेंट एटम है, तो इसके बीच में थोड़ा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बहुत वेरी स्मॉल होगा, या नहीं तो जीरो होगा, क्योंकि अगर सेम एलिमेंट होगा सेम एटम होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो हो जाता है। वही लिखा होता है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्म होगा बिटवीन एटम्स वाइल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर जीरो हो सकता है या वेरी स्मॉल, अगर डिफरेंस एलिमेंट रहा तो उसका वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम, ये कहानी है। और दूसरा जो है कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है नो बॉन्ड फॉर्मेशन, उसमें कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि वहां पे हम लोग चार्ज के माध्यम से उसको सेपरेटेड कर रहे थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बॉन्ड हम कौन सा होता है, इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और आयनिक बॉन्ड बच्चा है क्या हम लोग का नॉन मेटल होता है, हमेशा याद रखना नॉन मेटल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्मेशन होता है क्या आयनिक बॉन्ड, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, वो ओनली फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कॉम्बाइन करके जो बॉन्ड फॉर्मेशन, उसको आयनिक बॉन्ड कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे ओनली फॉर नॉन मेटल्स से ही, क्योंकि जो है जो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल्स है, क्लोरीन भी नॉन मेटल्स है, यहाँ पे जिस क्लोरीन ये भी नॉन मेटल्स है, देखिए आई ये क्या है नॉन मेटल्स, जैसे आप बना यहाँ पे बने जैसे क्लोरीन, जैसे N2 का जैसे बनाएंगे NN, ये क्या है नॉन मेटल्स, ये भी नॉन मेटल्स। हमेशा जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा नॉन मेटल्स के बीच में ही हम लोग का आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है।
यहाँ पे भी ये भी नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल्स है, जैसे और भी बहुत सारा उदाहरण है जैसे बनाएंगे तो आप लोग समझ लेना जो प्रॉपर्टीज है दा, ये तीन प्रॉपर्टीज आप याद रखना यही काफ़ी हैं। उसके बाद फिर हम बताते हैं ठीक है ये आयनिक बॉन्ड होगा। अब आयनिक बॉन्ड के बारे में और थोड़ा इसको डीपली जानते हैं, आयनिक बॉन्ड जो होता है और भी जो कुछ है। आयनिक बॉन्ड जो आयनिक बॉन्ड दो टाइप का बॉन्ड बनाता है, क्या क्या दो टाइप से बॉन्ड बनाता है आयनिक बॉन्ड। पहला जो है ये सेम एलिमेंट्स सेम एटोम से मिलकर जो बॉन्ड होता है सेम और डिसिमिलरली, सिमिलरली एटम से मिलकर बनता है कुछ, सिमिलरली एटम्स सिमिलरली एटम से बनता है क्या क्या होता है, जैसे पोलर 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 जैसे पोलर पोलर कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये दो टाइप का बॉन्ड होता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है दो टाइप के, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है एंड नॉन कोवेलेंट होता है। जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये डिसिमिलर एटम पर जन होता है, डिसिमिलर मतलब दो एटम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने के कारण पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट किया जाता है, लेकिन जो नॉन पोलर होता है इस सिमिलरली एटम भाग लेता है, ओनली फॉर एक ही टाइप का एटम भाग लेता है बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, जिसके कारण ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है। जैसे आपको देखते हैं तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या क्या होता है, मान के चलिए ये HCl, HCl, HBr, HBr, क्योंकि यहाँ पे Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इसके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल डिफरेंस होता है, जिसके कारण हम लोग का पोलर को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वैसा कुछ है ना डिसिमिलर, जैसे एन टू एस टू सी एल टू आई टू, ओनली फॉर एक ही टाइप के एटम भाग लेते हैं, उसके बाद जो फॉर्मेशन होता है उसी बॉन्ड को हम लोग नॉन कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जैसे बनाते हैं यहाँ पे मान लीजिए सी एच फोर, सी एच फोर, सी एच फोर, जैसे दो एटम है, क्या क्या है, एक क्लोरीन है और चार गो हाइड्रोजन है, चार गो हाइड्रोजन है, इसमें क्या है, इसमें हम लोग बोलेंगे ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिवली चार्ज, इसके बीच में क्या है हम लोग का पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, हर हाइड्रोजन एटम के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे बात करते हैं N2 एंड N, इसके बाद क्या है जैसे बनाते हैं Cl, दो चार छः सात, दो चार छः सात, यहाँ भी क्या होगा मिचुअरिंग शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण यहाँ क्या है नॉन पोलर हो जाता है हम लोग का नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये हम लोग का पोलर बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह का बॉन्ड दो टाइप से हम लोग पढ़ते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें इसमें जो होता है डाइसिमिलरली एटम होता है, डाई सिमिलर एटम होता है, इसमें क्या होता है सिमिलर एटम, सिमिलर एटम होता है, जैसे सिमिलर एटम क्या है जैसे N2 एक ही टाइप का, Br2, यहाँ पे क्या है डाई सिमिलर मतलब दो होगा, मतलब
जैसे HCl, HBr, CH4, ये हम लोग का डिसिमिलर या डाइसिमिलर आयनिक बॉन्ड। तो इसका एग्जांपल और भी दिखा सकते हैं, जैसे इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह का जो कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसको इस तरह से डिनोटेड करते हैं। तो हमेशा जो पार्ट है याद रखना, एक नोट देके याद रखना कि जनरली द कंपाउंड्स कंटेनिंग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज पोलर कंपाउंड बट नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, नोट में एक बात याद रखना, जो हम लिखे हैं नोट में बात याद रखना, जनरली ठीक है, द कंपाउंड कंटेनिंग पोलर कोवेलेंट, जिस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज पोलर कंपाउंड, ये क्या है, एक पोलर कंपाउंड हो सकता है, पोलर कंपाउंड, ठीक है, क्या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इसको पोलर कंपाउंड बोल सकते हैं, पोलर कंपाउंड बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट ट्रू। बट क्या है, ये हमेशा हम उसको नहीं बोल सकते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज पोलर कंपाउंड, इसको पोलर कंपाउंड बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ये चीज सही नहीं होता है, सही हम हमेशा नहीं बोल सकते हैं। तो यही है कोवेलेंट बॉन्ड का कहानी। तो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ख़त्म किए, इसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसी के बाद हम लोग आयनिक बॉन्ड का जो प्रॉपर्टीज है ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।